शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस तरह क्यों चीखी? गांधी जी ने क्या कहा था? तुम्हें उसके साथ फाइट करना होगा, उसे मारना होगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं किसी का बेटा नहीं हुआ, तू चल यहाँ से। बच्चे, टाइगर ने तुम्हारी मौत का मुहूर्त निकाला है। सिर्फ नारियल तोड़ने की देरी है। ताऊ, गांधी जी ने क्या कहा था? बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। और भी कुछ कहा था ताऊ? बुरा मत सुनो। सुना तूने? अब तो यहाँ ना कोई कुछ देखेगा, ना ही कोई कुछ कहेगा और ना ही कोई कुछ बोलेगा। इस तरह क्यों चीखी? कुछ देखा तुमने? मरने वाले की चीख सुनी? हाँ, सुनी। जो देखा जो सुना वो किसी से कहेगी? अदालत में कहूंगी। अच्छा, अपने पिता की मृत्यु के बाद हर साल उनकी बरसी पर हजारों भिक्षुओं को अन्नदान देते हैं, लेकिन श्राद्ध करके पिंडदान दिए बिना यह पितृ को नहीं पहुंचता है, इसलिए कम से कम आज इस श्राद्ध का कार्य पूरा कर लीजिए। नहीं पंडित जी, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे के खून के साथ अपने हाथ नहीं रंगूंगा, तब तक श्राद्ध कार्य पूरा नहीं होगा। नाम टाइगर और हरकतें कुत्तों जैसी। चल उठ, लुक के उठ। गांधी जी ने क्या कहा था? बुरा मत देखो, लेकिन इस कमीने को मार खाते हुए देखना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सब इसे मार खाते हुए देखो। और क्या कहा था गांधी जी ने ताऊ? बुरा मत सुनो। लेकिन इस कमीने की चीखें सुनना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सब इसकी चीखें धड़क सुनो। बुरा मत कहो, ये भी कहा था। क्या?
खुले आप मुझे आंटी बुलाने वाला है, ये जवान छोकरा कहाँ से आया? नहीं आंटी पहचाना नहीं, तुम्हारा टोनी, छोटा सा बच्चा। टोनी पिछले साल किधर था? नहीं सिंगापुर में, द ब्यूटीफुल कंट्री सिंगापुर। उधर क्या करता था? नहीं आंटी बहुत सारा काम करता था। आंटी तुमको मालूम सिंगापुर का टॉयलेट दुनिया भर में सफाई के लिए मशहूर है, और जानते हो किसकी वजह से? टोनी की वजह से। तो सिंगापुर जाके जमादार बन गया? नहीं ची 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 ची, हिंदुस्तानी लोग कितना गंदा होता है, कहीं भी थूक देता है, कुछ भी करता है, लेकिन टोनी का ये झाड़ू हमेशा सफाई के लिए मशहूर है। एनी आंटी हमारा होने वाला बीबी कहाँ है? तेरा होने वाले बीबी? आई मीन रूपा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी शादी रूपा से करूंगी? आंटी जो मिस्टेक है ना आंटी, अंकल ने मरते समय कहा था तुम्हारा शादी कर लेना। चरिया, वो तो मुझसे कहा था दूसरी शादी कर लेना, जब मैंने नहीं की तो तेरी शादी कहाँ से करूंगी? और मैं रूपा की शादी तो उस प्रेम से करूंगी। सिंगापुर में आईना नहीं है क्या? शक्ल देखिए अपनी, शादी करेगा? रूपा तुम भी मुझे ठुकरा रही हो, मैं सफाई बहुत अच्छी करता हूँ, और याद रखना जिससे तुम शादी करोगी उसे मैं दुनिया से साफ कर दूंगा। कौन है वो? डांस में माइकल जैक्सन, और दिखने में जैकी श्रॉफ, और लड़ने में जैकी चैन। प्रेम सिंगापुर से टोनी आया है, वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा है। अच्छा अच्छा, क्या अगर वो जबरदस्ती करेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे? मैं क्या करूँगा? तुम्हें उसके साथ फाइट करना होगा, उसे मारना होगा। मैंने जिंदगी में मच्छर तक नहीं मारा, उसे कैसे मारूंगा? हाँ। आ बैठ। अब इधर आएंगे तो कुछ खा लेते। ए वेटर। यस सर। जी सर। ये आपने को इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है? तू बता। चिकन शाहजानी, मटन शाहजानी, चिकन फ्राई, मटन फ्राई, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। भैया के भैया दो प्लेट भजिया लेके आ। राइट सर, अभी लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, एक लेमिनेट भी लेके आ, और एक चाय कटिंग। यस सर। ऐसी क्या देख रही चमक छल्ल? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, बोल कब शादी करेगा? शादी पहले अपनी बहन की तो शादी हो जाने दे, इसके बाद। क्या तुम्हारी बहन भी है? अरे बहन, अरे वो तो अपनी सब कुछ है, जान जिगर सब कुछ। अच्छा? तो अपन ने एक मस्त छोकरा भी देखा है। अरे पहले उसकी शादी हो जाने दे, उसके बाद अपन दोनों। ये रहा आपका भजिया। सैंडविच के लिए कहा था भजिया। व्हाट इज दिस? टोनी आया। हाय, हेलो टोनी। ऑर्डर का भजिया मारा मुंह में, भजिया की कोई कदर नहीं इसको। अभी जाकर देखता हूँ, तू इधर ही रुक। अरे राजा कहाँ जा रहे हो? तो तुम हो, छोड़ दो इसे। मुझसे क्यों झगड़ना चाहते हैं? क्योंकि तुम मेरे और रूपा के बीच में एक दीवार हो, और जब तक तुम जिंदा हो मेरी रूपा की शादी नहीं हो सकती, समझे? आप मुझे मारना चाहते हैं? यस। आप मुझे मारना चाहते हैं? ऑफ कोर्स। आप मुझे मारोगे? यस। उधर देखिए। व्हाट दिस वे बेटा? ए ए ए मेरी भाई। ये आप उनको लुक्का समझता है क्या? भजिया फेंक देता है, और वो भी मुंह में। साल दूसरी प्लेट क्यों लाओ कर। किधर घुटा था? अबे खस के लिए एड़ा हो गया क्या? एड़ा बोलता है? ये I'm sorry। अबे पागल खाने से आया क्या? पागल खाना नहीं, हम सिंगापुर से आया। सिंगापुर? अरे सिंगापुर से आया तो मेरे को धक्का कैसे मार रहा है? हम तुम कब आता? अबे लगती है गेंडे। लगता है? Oh,
सॉरी सर, सॉरी सर, लगी तो नहीं सर, सॉरी, I'm sorry sir, I'm sorry. अरे तुम्हें तो फाइट करने का बहुत शौक है, अब छोड़ दे इसे। अरे पहले इसको तो पूछ, इससे पहले क्यों मारा? अभी चलो ना। एक पुलिस टच। अरे चलो। सॉरी यार, सॉरी। अरे हाथ मिलाओ। तुमने तो कमाल कर दिया, बिना पासपोर्ट के सिंगापुर भेज दिया। मैंने कुछ नहीं किया। चलो बनो मत, चलो ना। बेटे, उस लड़की ने अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का फैसला कर लिया है। अगर वो लड़की अदालत तक पहुंच गई तो वो लड़की और उसका भाई अदालत तक नहीं पहुंचने चाहिए। सोचो, सोचो ताऊ, कुछ सोचो। भाभी तेरी बहना को मार। चल हाथ, मुझको तैयार होने दे, मुझको तैयार होने दे यार। लड़के वाले आते होंगे, तैयार होने दे। अच्छा तू बता, कैसा दिख रहा हूँ? बहुत छोटकेट लग रहा है। तुम लोग तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे दूल्हा तुम लोगों को बनना है। लड़के वाले आ गए होंगे, मैं नीलम को तैयार करती हूँ, तुम लोग उनका ख्याल रखना। हाँ चलो जाओ जल्दी। ठीक है, ठीक है। सुन, नीलम की तारीफ ही करना चाहता हूँ। मैं तारीफ करूंगा, मेरी बहन है। नीलम लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। हाँ नहीं, नहीं। रतन की दुकान में तो औरतें लाइन में तू ना तली हो, तक्का मक्का मार के तब तक आगे पहुंच जाती है। तेल आता की सब टाइम पे घर पे लेके आती है। बीएससी बस को पकड़ने का वक्त इसी तो मिलना चाहिए, पता बस रुके ना रुके वो दौड़ के पकड़ लेती है। रात को पिटका तो देख कर आराम से घर में पहुंच जाती है, उसे कोई झेल नहीं सकता था। बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। वो तो लकी मैन हुआ, वो तो टर्ली शॉट। क्या क्या लड़की मिली तुम तो? अरे भाई, जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो जरा उसे तो बुलाओ, हम भी तो देखें। इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है नीलम, देखिए और पसंद कीजिए। क्या तूल तूल के देख रहा है? लोग तो ये बोलेंगे क्या तोने जैसी ताऊ मिली है। जी ताऊ, बहू, बहू सच में बहुत सुंदर है। अच्छा दूल्हे राजा, ये बताओ कोई दहेज वहेज का कोई लफड़ाफड़ा तो नहीं ना? जी दहेज, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 50 किलो सोना चाहिए। 50 किलो सोना? क्या है कि सोने जैसे बहू का वजन भी तो 50 किलो होगा ना। मैं तो तोतने लग गया था कि 50 किलो तोने के लिए हमें तोने की दुकानों के कितने ताले तोड़ने पड़ेंगे। खरीदारी करनी पड़ेगी, खरीदारी। ताली, अच्छा, ताली, ताली, ताली। अच्छा। हमें तुम्हारी बहन पसंद है, तो नीलम को भी आपका लड़का पसंद है। क्यों नीलम, बोलना। काम करते हैं, ताली की ताली को तू बोलना। क्या वो ये कह रहा है कि शादी की ताली, मेरा मतलब तारीख पक्की कर। ठीक है ना आंटी, चल काम का पाउन तो आता मैं लगा देता हूँ। ये लाइट कैसे चली गई? चली गई, अब मेरी स्वागत का क्या होगा? पहले लाइट को तो आ जाने दो। तुम्हें तक नहीं आएगी, नाके का ट्रांजिस्टर धस गया। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर। हाँ कोई बात नहीं, दुल्हन को जरा जल्दी अंदर भेज दीजिए। हाँ 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 चलता है, तूले राजा बहुत अर्जेंट में। आओ मेरी डार्लिंग, मेरी बाहों में आ जाओ, आ जाओ। सुबह सुबह बाबू में फूक मारना बंद कर और ये ले। ए, टाइगर तुम्हारे घर भीख लेने नहीं आया है, तुम्हारे घर में इसका पालतू कुत्ता है, उसे देखने आया है। तामे, तामे। सरकार आ? हा, 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 सरकार। टॉमी जी, ये मेरे पैर देख। अरे ये तो गंदे हो गए, अभी साफ कर देता हूँ। टॉमी जी सरकार, तुम्हारी बीवी यानी इसकी बहन ने मेरे मन की शांति छीन ली है। कोई बात नहीं सरकार, मैं इसकी बहन की शांति छीन लूंगा। तुम्हारी बीवी की वजह से उसके भाई ने मुझे पब्लिक में जलील किया था, उसके लिए तो क्या करेगा सरकार, मैं इसकी बहन को जलील कर दूंगा। बोल क्या अब भी तू अपनी बहन को अदालत में भिजवा कर मेरे खिलाफ गवाही दिलवाएगा? ये कौन होता है साला, इसकी बहन तो मेरी बीवी है। मैं अभी बाहर बुलाता हूँ सरकार। अरे जरा सुनो तो, जरा बाहर तो आना। सुशीला तुम कौन
कौन है ये लड़की? सरकार वो किस तुम्हारे स्वामी की तिमी है। क्या बात करो? त्यो हवा निकल गई ना, शादी के टाइम हम लोगों ने तोली थी हेला पे लिखी, इसको ऐसे गुंगा डालकर मंडप में बेच दिया, और सुहागरात के टाइम हमने बत्ती को तुल कर दिया, इसको इसके कमरे में बेच दिया। त्यो इस कुत्ते ने बहुत बड़ी गलती की ना, एक लाफा मार लू इसको। मार से हमारी दीदी और दीदा दी तो उदल है। सरकार इनकी दादी तो हम लोगों ने इस कमीने की दादी से पहले चल दी थी। टाइगर आज तेरा खेल खत्म हो गया, अब हमारी मुलाकात अदालत में होगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टाइगर वल्द रतन लाल ने इंस्पेक्टर शर्मा का खून किया है, लिहाजा यह अदालत मुजरिम टाइगर को दफा 300 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग इल डेथ। शर्मा कैसे हो यार? कैसे हो? कैसे यार? इट्स सो गुड टू सी यू। तो बात है। हाँ यार, बस बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे भी यार वतन लौटने की खुशी कुछ कुछ निराली होती है। दोस्त वो तो है। मुद्दतों बाद लौट रहे यार। भाभी कैसी है? क्या बताऊं यार, परसों पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था तब से जिंदा लाश है। रोज दवा खिला खिला कर बेजान सी जिंदगी जी रहा हूँ। अरे फिक्र मत कर यार, उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं। शील गो लाइट। कौन है ये बुढ़ा जो तुम्हारे बाप होने की एक्टिंग कर रहा है? ये सचमुच मेरे डैडी है। तुम भी एक्टिंग छोड़ दो। वाह, अपनी माँ को क्या परफेक्ट ट्रेनिंग ला कर लाए हो, क्या नेचुरल एक्टिंग कर रही है। टू गुड हाँ, टू गुड। माला बेटी हाँ? आंटी को बेडरूम में ले जाओ। जी चलिए। चल। हाँ मल्होत्रा। हाँ? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्यों, तुम मुझसे झगड़ना चाहते हो? बिल्कुल, दोस्ती खत्म रिश्तेदारी शुरू, तू मेरा समझी। अरे ये तो खुशी की बात है। की खुशी की बात है, दुख की बात है। दहेज नहीं लेगा तू मुझसे? अरे नहीं शर्मा, मैं दहेज नहीं लूंगा यार। एक बात बता शर्मा, मेरा बेटा राजी हो गया? राजी? अरे उसने तो मोहब्बत के गाने भी गा लिए। अच्छा गा था तेरा बेटा? ले आ गया। प्रेम, तुम माला से प्यार करते हो? प्यार? डैडी ये तो नफरत के भी काबिल नहीं है। चल चल, मुझे मालूम है तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, अब शादी के लिए हाँ भी कर दो। चलो शादी? और इससे नहीं डैडी। ए बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ अब अमेरिका से आने की एक्टिंग छोड़ दे और बता दे। लेकिन बेटा हम तो अमेरिका से आए हैं। अच्छा, अमेरिका से आए हो या अंधेरी से? शाने शर्मा, बेटा इसे टाई नहीं पकड़ते, चाय कोई भी हो, ये मल्होत्रा है। हाँ। इनके पिताजी अमेरिका से आए। हाँ। ओ मेरे भोले डैडी, आप भी इस फ्रॉड की बातों में आ गए। फ्रॉड? तू ठहर ना यार। ये धारावी का रहने वाला एक नामी चोर है, और ये भी वही के चोरों चक्के है। अगर आपको पता चल जाता तो आप शादी से इनकार कर देते, इसीलिए ये नकली माँ बाप को लेकर आया है। अरे यार तू दो मिनट ठहरेगा? अरे यार कब तक? अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसकी बहन को भी लेकर आऊँ। बेटी मुझे लगता है तेरा स्क्रू ढीला नहीं हुआ, स्क्रू गिर गया तेरा। आज मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी बात तो मानिए। डैडी अगर हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके ना तो हम लोग भी पागल हो जाएंगे। मैं राइट शर्मा, क्या तेरी बेटी पागलपन के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं। तू मल्होत्रा मेरी बात तो सुन यार। चीजू आज देखते हो उस अमेरिकन औलाद को, आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ए बेटा पैदा हुआ था? ओहो गुरु, वो देख गाड़ी में बैग रखकर चला गया। अरे ऐसे लोगों पे तो अपना धंधा चलता है, बहुत बड़ा खजूर होएगा। जा लेके आ। मैं बैग ले आया। आप हैं कौन? हैं? ऐसे वक्त पे मदाद नहीं चलते हैं, टोली का माल है। चल भाग। देखिए पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ तू पागल तो नहीं हो गया? अरे तूने बोला गाड़ी से बैग लेके आया, मैं ले आया। चल निकल। अच्छा अच्छा देखिए जहाँ से आपने बैग उठाया वहाँ पे जाके वापस रख दीजिए। हाँ वापस रख दूँ? अरे तू वापस लाने के लिए बोलेगा ना तो मेरा दिमाग घूम जाएगा, वापस रख दूँ। पागल हो गया है।
बैग किधर है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं पूछ रहा हूँ बैग किधर है? पहले बोलता गाड़ी से बैग लेके आ, मैं गाड़ी से बैग लेके आ, फिर बोलता गाड़ी के अंदर बैग रख क्या, मैं रख क्या, आप पूछता बैग किधर है? अरे बोलना, डर गया, हिम्मत नहीं बैग लेके आने को। हिम्मत नहीं है, मैं डर गया। तू जा, तू जा। ये देख कैसे सड़काता हूँ। विद्यार्थी गुरु, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। ओ माय गॉड टोनी, ओके हाय हाय, क्या जगह पे आ गया है। बहुत जोर से यूं कहो, किधर से चुरा के आए रे? आप वही होने जिसने रेस्टोरेंट में फाइट किया था? हाँ हाँ राजा, लेकिन तू कौन? प्रेम, प्रेम मल्होत्रा, अमेरिका से। अच्छा अच्छा, तो तू अमेरिका वाला है? तेरे चक्कर में माला के बाप ने मुझसे कहा, आइए जी खाइए जी जवाई जी। ये तेरा वो सिंगापुर वाले के साथ टेंशन क्या है? नहीं नहीं, तेरे चक्कर में वो दो बार मुझ पर अटैक भी कर चुका है और आज तो बम भी फोड़ा। बम भी फोड़ा? राजा जी, वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं रूपा से प्यार करता हूँ ना, और वो रूपा से शादी करना चाहता है। ए, अपने को उस लफड़े में बिल्कुल नहीं डालना। उसको अब भी जाके बोल के तू तू और मैं हूँ। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। कैसे? क्योंकि शर्मा अंकल माला से आपकी शादी मुझे समझ कर रहे हैं, और अगर मैंने असलियत बता दी तो चल माला तेरी बात में दम है, लेकिन अपनी अपनी पोटियों से नहीं छुपाएंगे, समझा? तो ठीक है, मैं जाके माला को लेके आता हूँ और आप जाके रूपा को लेके आओ। ये तू मेरी वाली को ले लो, काय को जाएगा? क्योंकि मेरी वाली के पास वो सिंगापुर वाला है ना टोनी। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी वाली को लेके आता हूँ, लेकिन मेरी वाली से दूर है ना, उसको चिपकने की बहुत आदत है। मैं जाऊँ? जा। मैं आप वाली को लेने जाऊँ? जाना। आप कहते तो नहीं जाता। ये जाता है, बजाओ कान के नीचे। अच्छा मैं जाता हूँ। आइला टेढ़ा है क्या? आजी बाबा कौन आया है? प्रेम जी? रूपा। प्रेम? रूपा। प्रेम? रूपा। प्रेम? रूपा। प्रेम? रूपा। अरे रूपा, क्या हुआ मम्मी? अरे जल्दी अच्छा, जल्दी अच्छा, छोड़ी। आई ला टोयोटा, तू कौन? तुझे मायला? प्रेम। रूपा। प्रेम। रूपा। आपा। आपा। रूपा, कैसी तुम मेरी चमक छल्लो? चमक छल्लो? किस तरह की बातें कर रहे हो? अपन तो ऐसे ही बात करता है। चल गार्डन घूमने को चलते हैं। हाँ? यस आंटी, वेरी फाइन, 100 रुपी गॉड फाइन, 1 month इन सेंट्रल जेल। तू कहीं कुछ टेंशन लेती है, चल घूमने। सेंट्रल जेल चूल्हा लाल। दिल बहुत दुखा है, आज से नाश्ता बंद, तो कुछ नहीं खाना आज के बाद में। एक बात सुन ले मेरी उसे। गुड मॉर्निंग जी, माला जी हैं? जीजा जी, माला जी। अभी माला से क्या काम है? उसे पागल खाने ले जाना है क्या? पागल खाने नहीं, गार्डन ले जाना है, उसने बुलाया है। क्या? उसने मेरा मतलब है कि उसने मतलब ये अपने दिल की बात कर रहा है, मतलब ये माला से प्यार करता है। प्यार? लेकिन जीजू उस दिन तो अपने पिताजी के सामने इसने मना कर दिया था। आप मेरे डैडी को जानते नहीं है, अगर मैं पहले दिन उनसे कह देता कि मैं माले से प्यार करता हूँ तो वो नाराज हो जाते। ओल्ड थिंकिंग। बीबीसी की तरह सही खबर सुनाने लगा है। मैं डरा दिया था यार। चलो इसी बात पे सेलिब्रेट करते हैं। क्या है ये? वो
मैं नहीं पीता। क्यों शुरू हो गया? उस दिन पूरी बोतल कटा किया था। मैं कटा किया था? जीजू, ये मुझे 100% रॉन्ग नंबर लग रहा है। तू फोन उठाता काहे को रॉन्ग नंबर का? आप माला जी को बुला देंगे? थोड़ा पीना है यार। आप प्लीज माला जी को बुला दीजिए। सेलिब्रेट। माला, माला, ए, यहाँ क्यों आए हो? मैं आपको गार्डन ले जाने आया हूँ माला जी। माला जी, ये क्या जीजी लगा रखा है? जीजू ये रॉन्ग नंबर है, हर बात पर जी लगा रहा है। माला जी, गार्डन जी, आओ। प्यार करता है ना मुझसे? प्यार करने वाला तो प्यार ही करेगा। शादी करेगा? जो प्यार करेगा वो शादी भी करेगा। ओ माय हीरो, लेट्स गो। जीजू ये 100% रॉन्ग नंबर है, 100% रॉन्ग नंबर है ये। कैसे बोल सकता है ये रॉन्ग नंबर है? मैं साबित करके दिखाता हूँ आपको। आप चलिए ना, आप चलिए, चलिए चलो। प्रेम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुक, पहले सिगरेट तो जलाने दे। सिगरेट? तुम सिगरेट पीते हो? सिगरेट भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ। बोल। तुम बहुत धोखेबाज हो। रूपा घूम जाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो हो गई है जो मैंने तुमसे प्यार किया। अरे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। राम और श्याम देखिए? नहीं देखी। तो फिर आज देख लेना। अरे केड़ी आ गए खजूर। इनको देखो, बाप को लेके आए। चल शुरू हो जा। हाँ, क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था कोई खास बात करनी है। तो हाँ, पहले उनको तो आ जाने दो। उनको किनको? उनको मेरा मतलब है किसी को भी। ए, तुम राजा ही हो ना? हाँ राजा ही हूँ। ये रॉन्ग नंबर है जीजू। है ना यार तू? मैं कह रहा हूँ ना जीजू, ये रॉन्ग नंबर है। तेरे दिमाग की तरह तेरी आंखें भी खराब है। आप खामा खा शक कर रही है। मैं ही आपका राजा हूँ। मेरा राजा इतनी दूर से बात नहीं करता। बात बात में करता है, पहले हाथ पकड़ लेता है। अभी पता चल जाएगा। हाँ अरे मार ना। तू ही मेरा राजा है। ओ राजा, आई लव यू, आई लव यू। छोड़ छोड़। आई लव यू। छोड़ नहीं तो मारूंगा। प्लीज छोड़। क्यों साले, अब मानते हैं कि नहीं ये रॉन्ग नंबर नहीं है? आखिरी दम तक नहीं मानूंगा। आखिरी दम तक मैं तेरा दम निकाल दूंगा। ये खजूर मैंने तो मामा को लेने भेजा था ना, उसके बाप को क्या कन्यादान के लिए लेके आया? और वो मामा क्या दहेज में जाएगा? नहीं नहीं, देखिए जरूर आपको कोई गलत फैमिली हुई है। हम भला उन्हें यहाँ क्यों लाते? बूंदी के लड्डू वो तेरी कार की डिक्की में बैठ गया है। डिक्की में बैठने की क्या जरूरत थी उन्हें? अगर वो हमसे कहते तो हम उन्हें सीट पे बैठा के ले आते। यार तुम तो बहुत बड़े। क्या कर रहे हो अंदर? दरवाजा खोलो। कौन कौन क्या कौन? माला ही चौंगी, जाके दरवाजा खोल। माला मैं नहीं खोल सकता, आप जाके खोलो ना। जल्दी खोलो ना, क्या कर रहे हो अंदर? खोलता या बजाऊं कान के नीचे? ओके ओके खोलता हूँ। प्लीज डोंट पुश मी। क्या कर रहे हो? ये दो दो आवाजें कहाँ से आ रही है? मैं और राजा। तुम वो राजा? क्या? मेरा मतलब मैं राजा। जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ तब मैं ऐसी बात करता हूँ। मगर तुम अचानक मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? डांस सॉन्ग के बाद मैं जरा थक गया था, सो आई केम हियर टू टेक अ शावर। हाँ? मैं नहाने के लिए आया था। नहाने? अरे वाह, मजा आएगा। हा? तुम और मैं और तुम और वो भी अकेले, चलो मिलकर नहाते हैं। नहीं नहीं, मैं और आप साथ में नहीं नहा सकते। क्यों? क्योंकि शादी के पहले पाप है। उतारता है मैं डुएक। चल। लेकिन मैं पैंट नहीं उतारूंगा। पैंट भी उतार, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके अरे जीजू, बाथरूम के अंदर गड़बड़ है, घोटाला है। अरे हराम खो नारायक, अंदर मेरी बेटी हो सकती है, मेरा दामाद हो सकता है, तो उनको इस हालत में भेजो तक। आजा शाने, और मेरे को समझा कि तूने कपड़े काय को उतारे? ओ आपकी माला जी है ना, वो जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार के मुझे नहाने को कह रही है। अच्छा, नहा लूं उनके साथ? अच्छा, वो तेरे से कहेंगी कि जाके कुएं में कूद मर, तो तू कूद मरेगा? नाक में साबुन गया। चले गंदिया पानी में रहे। सुनो, मुझे फिर से दो दो सुनाई दिए। आई ला डार्लिंग, तेरे कान बहुत मस्त है। लोगों को कम सुनाई देता है, तेरे को ज्यादा सुनाई देता है। तुमने कपड़े फिर से क्यों पहन लिए? अरे तू कहती तो फिर से बदल लेता बुलबुल। जाओ चेंज करके आ। ये देख। What happened? क्या हुआ? तुम तो अभी बाहर थे,
वो तुम्हारे साथ नहाने के लिए उतावला था ना, तो इसलिए क्विकली क्वी। पता नहीं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या हो गया तेरे को? अभी तो बराबर थी, चटिया गई लिए क्या? अपुन एक ही थे। ये जो तूने सर पे और बॉडी पे इतना झाग लगाया ना, उससे अपने को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे को डबली में दिखाई दे रहा है। आ जा मेरी हीरोइन, आ जा। ठीक है। चल बूंदी के लड्डू खिसा के यहाँ से, कान के नीचे बजाऊंगा, पानी गंदा करेंगे। चल आदमी एक महीने के बाद नहाएगा तो मजा तो आएगा ही ना। मैं चेंज करके आती हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? अपने पैरों से। अभी अभी तो मैंने तुम्हारा सर पोंछा था, तो फिर ये झाग कहाँ से आया? हाँ, दोबारा अपना सर पोंछवाने के लिए मैं अपने सर पे और शोल्डर पे झाग लगा के आया हूँ। अच्छा। अरे तुम यहाँ कैसे? प्रेम, ये प्रेम कौन है? राजा? राजा, ये राजा कौन है? प्रेम, ए तुम कौन हो? रूपा। और तुम कौन हो? माला। तुम इनके साथ क्या कर रहे थे? हाँ, नहा रहे थे, नहा रहे थे। प्यार मुझसे करते हो, नहाते इनके साथ हो? मैं तुम्हारे साथ भी नहाऊंगा। क्यों गले पड़ रही है? ये मुझसे प्यार करता है? नहीं, ये मुझसे प्यार करता है। तुमने पहले जीप से मुझे टक्कर मारी और मेरे बैक पॉकेट पे मारा, हा? और तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिले और सबके सामने किस किया, मेरे बाप को बेवकूफ बनाकर मेरे ही घर में आकर मेरे साथ गाना गाया और मेरे लिए गुंडों से लड़े और फिर गोद में उठाकर घर ले आए और मेरे साथ गाना गाया। क्या? तू लाते दिल में लाज, तू लिया तली। तूने ये दादी मान ली, मैंने ये बैग मान लिया, तुमने फिर से चोरी की है। तिथी मेरी कॉबली तोल, बोल को आले बचा ले ना। अच्छा, आप लोग बैग वाले चोर को ढूंढ रहे हो? अंदर है। अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, अरे मुझे तोल दो, मुझे मार डाली, मुझे मार डाली, मुझे बहुत जोर की लगती है, मुझे लगती है। इसे पुलिस के हवाले कर दो, मारना। एक मिनट, एक मिनट, राजा जी तेरे को क्या हो गया? चलो मैं तो तोलूंगा नहीं। अरे तू सोच के राम में तलंग के ताले। ये डर रहा है या डरा रहा है? तू तो क्या डरा हुआ, तू तो पहले तो ही डरा हुआ है। डरा पहले ये बताओ कि तेरा बॉस राजा कहाँ है? तुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ा ना, फिर भी इसे उगलवा नहीं पाएगा। हाँ तय बोला है, बिल्कुल। तू तो दादा तमल्ला को तेला ये तमता है, तमता। चमचा गुड। फिल्मों में मैंने देखा है कि फ्रैक्चर के वक्त टॉर्चर के वक्त ये लाइट ऑन होती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है मुजरिम सब कुछ कबूल कर लेता है। लाइट्स, लाइट नहीं मेरे पास कुछ कबूल करने का नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है बता राजा कहाँ है? ये तो डर ही नहीं रहा है। लाइट हिलाओ। तू हिला। मैं हिलाऊंगा तो इसे मारेगा कौन? ये तुझे मारेगा। तू लाइट हिला। उससे तो बाद में निपट लूंगा। छोड़ दे। ये क्या था? स्पेशल इफेक्ट। तो बताया क्यों नहीं? अरे बताता तो लगता कैसे? बेवकूफ था। क्या? बेवकूफ था। बेवकूफ था तू। बीवी बार बार फोन क्यों करती हो? पाउडर, लिपस्टिक, काजल, क्रीम सब ले आऊंगा। ये पुलिस स्टेशन है या कॉस्मेटिक की दुकान? ए, कौन है तू? कमिश्नर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, आप सर, I'm sorry सर, मैंने पहचाना नहीं सर। नो प्रॉब्लम माय बॉय, नो प्रॉब्लम। तुमने राजा के असिस्टेंट को पकड़ के बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। थैंक यू सर। हम भी तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। अब फौरन रंगीला को छोड़ दो। रंगीला को छोड़ दो? क्यों सर? तुम जैसा काबिल इंस्पेक्टर ऐसा सवाल करे कुछ अजीब सा लगता है। तुम रंगीला को छोड़ोगे वो सीधे अपने गुरु के पास जाएगा, तुम उसका पीछा करोगे और इसी तरह तुम राजा को भी गिरफ्तार कर लोगे और फिर तुम डीएसपी से फौरन एसपी बना दी जाओगे।
वाह सर वाह, क्या आइडिया है। बस सर अभी तो मैं डीएसपी बना दिया गया हूँ ना, क्या अब मैं किसी कांस्टेबल को सस्पेंड कर सकता हूँ सर? हाँ बापू, अब तेरे में पावर ही पावर है। अब चल रंगीला को छोड़। यस सर, मैं रंगीला को फौरन छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। गुरु क्या है, रंगीला को तोड़ दो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और राजा को पकड़ लूंगा। तोत लो। तोत लिया। ठीक है। ओके, कहता है तोत लो। ये क्या बेवकूफी की? शट अप, कमिश्नर साहब का फोन था, मेरी तरक्की हो गई, उसे छोड़ने को कहा है। कमिश्नर साहब? अरे वो तो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली बैठे हुए। तो फोन किसका था? वो फोन राजा का था, बाहर से कर रहा था। उसे पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ता, तू पकड़। उसे पकड़ लो। तू पकड़। वो बहुत दूर चला जाएगा, पकड़ लो। टाइम का पंक्चुअल होना तो कोई अमेरिका वालों से सीखे। क्या पंक्चुअलिटी है, 7 बजा नहीं के गाड़ी में बैठ के आ गया। नहीं, तुम जाके तैयार हो जाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। अरे मंत्री जी भी आ गए, तुम जा जाओ, हम स्वागत करके आते हैं। नहीं अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए। अच्छा हुआ तुम भी हमें मिल गए। वो सिंगापुरी ना, वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर। लगता किसी की शादी है, खाना भी फुकट का मिलेगा। कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जहाँ से गोविंदा सिलाता वहीं से अपुन भी सिलाता। क्या सिट्ट है, सिट्ट है। अरे शो का टाइम हो रहा है, जल्दी अंदर ले जाओ। नहीं आई ना, खजूर का फोटो। कमिश्नर साहब यहाँ क्यों आए? मुझे अरेस्ट करने, मैंने राजा को जो पकड़ा है, मुझे प्रमोशन देने, मैंने राजा को अरेस्ट जो किया है। मिस्टर प्रेम को किसने अरेस्ट किया? सर ये प्रेम नहीं है, राजा है, धारावी का सबसे मशहूर गुंडा राजा सर। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे कैद किया सर, अब आप मुझे फौरन प्रमोशन देकर एसपी बना दीजिए सर। मैं तुम्हें डिमोशन देने के लिए ही आया हूँ। आपकी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई सर, डिमोशन नहीं होता सर, प्रमोशन होता है। शट अप, हवलदार छोड़ देने। अरे रुकिए सर, ये प्रेम नहीं राजा है, राजा। सर ये राजा नहीं है, ये मशहूर सिंगर प्रेम मल्होत्रा है। इतने मशहूर आदमी को इसने जेल में डालने की जरूरत की। सोचा सर ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये झूठ बोल रहा है, तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स सर, इसीलिए मैं इसे प्रमोशन और तुम्हें डिमोशन देने आया हूं। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अभी खोल कर लाता हूं प्रेम कुमार जी को। सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत करना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? यस कम इन। हवलदार विद्यार्थी रिपोर्टिंग सर। इससे पहले कहाँ थे? शैतान चौकी में सर। और तुम्हारा रिकॉर्ड इतना बुरा था कि तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया गया, क्यों? रिकॉर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहा है सर, लेकिन ये सब उस कमीने हवलदार की साजिश है सर, जिसने मेरे उजले करियर को दाग दाग बना दिया। लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं सर, वर्दी मेरे जिस्म पर इंस्पेक्टर की ना सही, हवलदार की से। लेकिन उस कमीने का तो मैं वो हाल करूंगा कि वो हवलदार बनने के लायक भी नहीं। तू तमीज से बात करो। लेकिन आप तो हमेशा मुझे तू कहकर बुलाते थे। वो तो इसलिए क्योंकि तू आप कहलाने के लायक नहीं था, बहुत रोब जमाया मुझ पे, क्यों? अब हर बेइज्जती का मैं गिन गिन के बदला लूंगा, समझा? आज से तू सरकारी नहीं, मेरा पर्सनल नौकर बनकर रहेगा। रोज सुबह मेरे घर दूध लाएगा, फिर बच्चों को स्कूल ले जाएगा, दोपहर को मेरे लिए लंच लाएगा, शाम को मेम साहब को खाना बनाने में भी मदद करेगा और घर के सारे कपड़े भी धोएगा, बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाएगा। अब हमारा जेल का मुआयना करने का वक्त आ रहा है, जाओ हमारे लंच ले आओ। जाओ जाओ चलो। चढ़ो। Yeah.
इसे उठाओ भाई। अच्छा अच्छा समझ गया, ये मुझसे नाराज है। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सर क्या कर बुलाऊंगा ना। अरे तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं तेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैं तेरी खूब सेवा करूंगा, उठना। देखिए वो क्या गया, उठेगा नहीं तो मुझसे झगड़ा कौन करेगा। अरे अरे मुझे भला बुरा कौन कहेगा। ठीक है मैं प्रमोशन की बात भी नहीं करूंगा, मगर मेरी अंग्रेजी कौन सुधारेगा। गुरु हिम्मत से काम लो विद्यार्थी। अकेला छोड़ के चला गया, हमेशा मेरे साथ रहा। क्या हक है तुझे इस तरह मुझे अकेला छोड़ के जाने का, क्या हक है गुरु। गुरु घर में कौन कौन है। कोई नहीं है, सब अस्पताल गए हैं। नीलम की तबीयत कैसी है। क्या आप राजा हैं जी। उसका ऑपरेशन करना है, ये दवाइयां जल्दी लेकर आइए। डैडी अब यही ठहरी, मैं से डॉक्टर से मिल के आता हूं। ओके। तो सही वक्त पर आ गया भैया। टाइगर अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो उस मल्होत्रा को जिसे तुमने हॉस्पिटल में बचाया था लाकर हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारी बहन का सही इलाज करवा कर बच्चा समेत तुम्हारे हवाले कर देंगे। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। पागल मत बन राजा। जिस आदमी की जान बचाने के लिए तू अपनी बहन की जान दांव पर लगा रहा है, क्या लगता है तेरा। अरे वक्त बहुत कम है राजा, जल्दी फैसला करो। अगर एक घंटे में तुम्हारी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है। मल्होत्रा, ए मल्होत्रा, मल्होत्रा कहाँ है, हैरी है क्या। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ है मल्होत्रा। अरे बता क्यों नहीं रही है, कहाँ है मल्होत्रा। अरे बोलती क्यों नहीं है। हमारा बेटा है। हाँ गीता, ये हमारा बेटा प्रेम है। ये चलना है, बहुत हो गया तेरा बुढ़िया का नाटक, तू चल मेरे साथ। अरे प्रेम, ये तुम क्या कह रहे हो। ये मैं प्रेम नहीं है, मैं राजा है। ये क्या कर रहे हो बेटे, छोड़ दो।
मैं किसी का बेटा ही नहीं हुआ, तू चल यहाँ से। माँ राजे मेरे डैडी हैं। ए खजूर, अपने को कोई परवाह नहीं है तेरा कौन है, इसे अपने को टाइगर के पास लेके जाने का। नहीं राजा। मत रोक इसे बेटा, मत रोक। शायद इसे मालूम नहीं कि वो तुम्हारे ही डैडी को नहीं अपने डैडी को भी ले जा रहा है। ये बाप बाप का नाटक अपने साथ नहीं करना, ये तो इत्तेफाक की बात है कि अपन दोनों की शक्ल एक ही है। आप चल। बेटे बेटे मैं सच कह रहा हूं, तुम दोनों जुड़वा भाई हो। तुम्हें खो देने के सदमे के कारण तुम्हारी मां 25 साल से जिंदा लाश की तरह बिना होशे हवास के जी रही है। इतना बताओ कि इतने बरसों में कोई भी दवा तुम्हारी मां को ठीक नहीं कर सकी, मगर आज तुम्हारे छूने से एक जिंदा लाश को होश आ गया। क्यों? क्योंकि जो खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है वही खून तुम्हारी मां के रगों में दौड़ रहा है। क्या हुआ बेटे? बेटे टाइगर ने नीलम को उठा लिया है, कहता है कि जब मैं आपको उसके हवाले करूंगा तभी वो उसे छोड़ेगा। मुझे उसके हवाले कर दो। टाइगर राजा मल्होत्रा को लेकर आ गया है। क्या चाहता है तू? बदला? बदला? किस चीज का बदला? ये मेरे बाप से पूछ। बाप की अस्थियां हैं जिन्हें 25 साल से मैंने संभाल के रखा है। जानते हो क्यों? तुम्हारा खून इसमें मिलाकर इन्हें विसर्जन करने के लिए। देखिए देखिए देखिए, आपके कहने के मुताबिक मैं इन्हें यहां ले आया हूं, अब अपने वादे के मुताबिक आप प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। अरे तुमने हम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की मेरे लाल। हीरो वो जो वादा निभाए, विलन वो जो वादा तोड़े। डैडी डैडी यानी बाप, बेटा, बेटी, ताऊ, ये तो सबके सब इधर है। हम लोग तो इसकी वाट लगा देंगे डैड, वाट। क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। विलन वही जो माल था है, हीरो वही जो माल है। कौन है आपको? इसलिए अटक अटक के मारता हूँ। अबे देख क्या रहा है लुखे, इसे बोलते हैं जुड़वा। हेलो ब्रदर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। वेट, चार फटके मार के आता हूँ मैं अभी। एंजॉय। हाँ
अब मेरे भाई से लड़ो ना, राजा राजा मुझे बचा ले। प्रेम या खजूर पत्ती छोड़ और मार उसे। नहीं होगा, नहीं होगा, मार ना। मैं जानता हूँ मेरी कैपेसिटी, मैं जानता हूँ नहीं होगा। ये क्या बोला? क्या हो रहा है? मेरे को तब नहीं आया, क्या हो रहा है? इसको क्यों लग रही है? इसको मेरे दोस्त को तुती का ना? समझा खजर? अब देख तेरा टपोरी भाई क्या करता है। मैं भी समझ गया, तू एक काम कर, तू मेरे को मार, तू मेरे को मारेगा, खुद को मारेगा, खुद को मारेगा, मेरा वो भाई पत्ता आएगा। आज खत्म से मेरे को लगे के लिए तू मेरे को मार मार मार। हाँ मार। तुझे बहुत मारा, तुझे लगी तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं लगी। कभी लाम के हाथ तो लक्ष्मण को लग सकती है क्या? देख उस पुत्र का हाल क्या हो गया। गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, बहुत लगी मेरे को भैया। अरे वाह खजूर, तूने तो कमाल ही कर दिया, ठीक तो ना? अब देख इसकी कैसी पुंगी बजा के आता हूँ। हाथ नहीं, फांसी का फंदा है टाइगर। यू आर अंडर माई, ये गलत है, गलत है। ब्रेथ नहीं, यू आर अंडर माई अरेस्ट। क्या अंडर अरेस्ट? ओ अरेस्ट। हाँ बेटा, पुलिस की नौकरी करोगे? मेरी माँ का भी यही सपना था कि मैं पुलिस बनूं। क्या? मेरी माँ का सपना यही था कि मैं पुलिस बनूं। हाँ, तेरी माँ का सपना जरूर पूरा होगा। पहले थैंक यू, मैं पुलिस में पलती रहूंगा, मैं सब लोगों को पकड़ूंगा, मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा। मेरे को भी तेरे को कहते मार सकता हूँ, तू तो मेरा भाई है। चले ए, 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 ए,